हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान में रीट का लेवल 2 परीक्षा निरस्त। मुख्यमंत्री बोले अब 2 चरणों में होगी परीक्षा। अब 62,000 पदों पर भर्तियां होंगी। जयपुर रीट पेपर लीक मामले में राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक के बाद अशोक गहलोत ने रीट की लेवल 2 परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा करते हुए कहा कि लेवल 1 की परीक्षा निरस्त नहीं होंगी, अब रीट में 62,000 भर्तियां होंगी। लेवल 2 की जो परीक्षा निरस्त हुई है वह अगस्त तक होने की संभावना है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि रीट लेवल 1 और लेवल 2 मिलाकर कुल 62,000 हो जाएगी। लेवल 1 के बाद 15,000 पद अलग रह जाएंगे, पहले की तरह ही वैलिडिटी आजीवन ही रहेगी। विषयवार अलग से एग्जाम करवाए जाएंगे। एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद भर्ती परीक्षा होंगी। मई के बाद 1 माह बाद खिसक जाएगा। जस्टिस व्यास की अध्यक्षता वाली कमेटी की 15 मार्च तक रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट मिलते ही एग्जाम की तारीख बता देंगे। गौरतलब है कि 26 और 27 सितंबर को इस परीक्षा को आयोजित किया गया था। इसमें करीब 23 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, लेकिन परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया था। इसके बाद यह 33 से ज्यादा सेंटर पर पहुंचा। गंगापुर सिटी से पहली बार पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद एसओजी ने इसकी जांच शुरू की तो सामने आया कि शिक्षा संकुल से पेपर लीक हुआ। एसओजी रामकृपाल, उदयलाल, भजनलाल, बत्तीलाल और पृथ्वीलाल समेत 35 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इससे पूर्व रीट पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद सरकार लगातार गिरती नजर आ रही थी। बीजेपी की ओर से लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही थी। इसी बीच सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट में रीट सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी को 3 साल से कांग्रेस के शासन से फ्रस्ट्रेशन हो गया है। अब तो बीजेपी हाईकमान भी स्थानीय इकाई को कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो। आम जनता हमारे फैसले से खुश है। हमारे कोरोना से लेकर हर फैसले शानदार रहे हैं। नॉन इशू को इशू बनाने का बीजेपी ने धंधा खोलकर रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। यह देखने की जरूरत है कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, इसे रोकना चाहिए। पूरे देश में पेपर लीक करने वाला गिरोह सक्रिय है। गहलोत ने कहा कि पेपर आउट होने के हालात चिंताजनक है। महंगाई के बाद रोजगार की हालत विस्फोट बनी हुई है। बिहार में ट्रेन जला दी, बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है। यह सरकारों के लिए अच्छे संकेत नहीं है। नौकरी मिल नहीं रही, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कैसे आएगी। हम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस फैसले में खुश नहीं हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया गया है वो राज्य के लिए ठीक नहीं है। हमने बच्चों के भविष्य के लिए यह फैसला किया है। एसओजी रीट पेपर लीक मामले में अब तक 35 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसकी आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक भी पहुंच गई थी। इसके बाद चेयरमैन डीपी जारोली को बर्खास्त करना पड़ा, जबकि सचिव को निलंबित किया गया। कोऑर्डिनेटर प्रदीप पाराशर को एसओजी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पेपर लीक का कनेक्शन जयपुर से बाड़मेर और जालौर तक पहुँच गया है। जागरूक टीवी के जयपुर से खास रिपोर्ट।